हेलो फ्रेंड्स, मैं बीना दीक्षित स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए दिन की शुरुआत की, एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। सॉरी थोड़ी गलती हो गई। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ। अब जैसे कि इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, इसमें मैं मायके आई हुई हूँ। तो मैं आज आपको ले चलती हूँ अपनी दीदी के घर, वहाँ पे उनके छोटे बेटे का बर्थडे है और हम सब वहाँ पे आए हैं। तो अच्छा सा सेलिब्रेशन है, तो हम वहाँ ले चलते हैं। और सबसे उसके पहले मैं आपको अपनी दीदी का घर दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसा है, ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ बाहर में थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन तो शाम को ही होता है, मतलब रात में थोड़ा सा अंधेरा है। पर तब आप लोग देखिए, ये जया जी को क्योंकि बागवानी बहुत पसंद है तो वो करते रहते हैं, बहुत से प्लांट्स उन्होंने लगा रखे हैं। अब एंटर करने के दो रास्ते हैं, ठीक है, एक इधर से एक इधर से। मैं आप लोगों को इधर से ले चलती हूँ। तो सबसे पहले एंटर करते ही मंदिर है। ये मेरी दीदी का किचन है और ये दीदी काम करती हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, किचन से निकलते हुए फिर ये वॉश बेसिन है, उससे जुड़ा हुआ है। और अब ये देखिए, ये दीदी का बेडरूम है। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर है। वैसे मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगा। और अब आगे अगर मैं कभी घर बनवाऊंगी तो मैं दीदी की थोड़ी बहुत तो कॉपी जरूर करूंगी क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगता है दीदी का घर। और फिर वहां से जब निकलते हैं तो ये हम एंटर किए बच्चों के रूम में। दीदी के दो बेटे हैं, ये उनके लिए रूम दीदी ने बनवाया है। तो ये देखिए, ये स्टडी टेबल है और पूरा रूम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है फ्रेंड्स। और वहाँ पे मतलब क्या ही बताऊँ, उनकी जैसे बच्चों के लिए होनी चाहिए सारी सुविधाएं, वो सब है रूम में। और ये गेस्ट रूम है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन था तो यहाँ पे आधे गेस्ट आ चुके थे और अभी थोड़े बहुत बचे भी थे, हम लोग वेट कर रहे थे उनका भी आने का। और उसके बाद फिर आते ही फिर धीरे धीरे से सारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता। तो ये देखिए, बर्थडे हो और कहते हैं हमारे वहाँ लोक गीत ना हो तो फिर बेकार है, मतलब ढोलक वाले जो हमारे गीत होते हैं, संगीत होते हैं, वो ना हो तो बेकार है। तो ये ढोलक ना ढीली हो गई थी तो निखिल ने उसको पूरा टाइट किया क्योंकि हम लोग से टाइट हो नहीं रहा था, तो निखिल ने टाइट किया। और फिर ये देखिए, हम लोग ने गाने वाने गाए ढोलक के, जो गाने होते हैं हमारी संस्कृति में, जो भी कुछ भी शुभ काम होता है तो उसमें ये ढोलक के गीत ज़रूर होते हैं। और आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ बताएं कि आप लोग के यहाँ भी होते हैं कि नहीं होते हैं, कॉमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। कॉमेंट आप करते नहीं हैं, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और तो फिर ये सारे गाने वाने होने लगे और बहुत दिनों के बाद मैं भी गा रही थी तो मैं थोड़ा बहुत भूल भी गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हो रहा था। और फिर ये वहाँ पे गाने वाने गा के फिर गेस्ट सब लगभग सब आ चुके थे और लेट भी हो रहा था। तो दीदी ने बोला अब जिनको आना है उनका फिर बाद में आते रहेंगे, अब केक कटिंग करवा देते हैं, क्योंकि जो लोग आए थे उनको खा पी के निकलना भी था और हम लोगों को भी निकलना था वहाँ से। ये मेरा लास्ट डे था मतलब मायके में, क्योंकि फिर इसके बाद हम लखनऊ जाने वाले थे अपने देवर देवरानी के पास में। वहाँ से फिर उसके बाद एक दो दिन रुकने के बाद फिर हम घर निकलते। तो इसलिए ये मेरा लास्ट डे था और मुझे भी लेट हो रहा था, तो मैं भी दीदी को बोल रही थी प्लीज़ दीदी जल्दी करिए जल्दी करिए। तो इसीलिए फिर थोड़ा उन्होंने केक कटिंग जल्दी ही करवा दिया था। तो ये देखिए, शौर केक कट करने जा रहा है और कुछ बातें कर रहा है। भीड़ देखिए फ्रेंड्स, जो हालत थी कि क्या ही बताऊँ, गर्मी थी पर ये था कम से कम एसी थी तो थोड़ी सी कूलिंग थी, वरना फिर आपको पता है ना गर्मी की चीज़ें जो फंक्शंस होते हैं उसमें हालत ख़राब हो जाती है, तो वही कंडीशन थी। और देखिए ये सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। तो
मैंने कैंडल वैंडल लगा दिया था और ये जो कैंडल्स लगा रही हूँ इनको अनार कैंडल बोलते हैं और इससे ना शौर्य बहुत डरता है तो हम लोगों ने उसको ज़बरदस्ती लगा दिया था कि देखते हैं मज़े लेते हैं। अभी देखिएगा ये जब जलेंगे ना तो वो भागता रहेगा, मतलब इधर उधर भागा रहेगा, वो सामने नहीं बैठेगा क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो जल ना जाए। तो देखिए फाइनली केक कटिंग हो गया है और शौर्य ने केक कटिंग कर दिया है। डरते डरते फिर वो सबको केक कट खिलाएगा और धीरे धीरे करके एक एक करके लोग सब लोग आएंगे और उसको मतलब टीका उका करेंगे, केक खिलाएंगे और गिफ्ट देंगे। सबसे एक्साइटेड बच्चे होते हैं ना गिफ्ट लेने के लिए, तो इसीलिए छोटे बच्चे एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेट इसीलिए करते हैं कि उन्हें गिफ्ट मिले अच्छे अच्छे से, तो उन्हें बहुत क्रेज होता है गिफ्ट का। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी बहुत क्रेज था गिफ्ट का कि जल्दी जल्दी से, जैसे ही बर्थडे ख़त्म नहीं हुआ गेस्ट हैं घर में, हम पीछे रूम में ले जाके अपने जो मतलब हमारे जो गिफ्ट होते थे उनके पैकेजिंग ओपन करने लगते थे कि फटाफट से मैं देखूँ क्या क्या मुझे मिला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर पापा मम्मी ने केक खिलाया, गिफ्ट दिया और ये है शुभ जो येलो टी शर्ट पहन रखा है, वो शौर्य का बड़ा भाई है और मेरे बेटे को तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। सब बच्चों ने मिलके फटाफट से केक कटिंग कर मतलब केक उनको खिलाया, कटिंग तो हो ही चुकी थी। आज पता नहीं क्यों मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है फ्रेंड्स, माफ़ी चाहती हूँ पर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे जो ये मेरी वीडियो को नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए जिससे मैं कोई भी अगर वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन फटाफट से आपके पास आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये देखिए दीदी जी अजी केक खिला रहे हैं। और इसके बाद आ जाएगी हम लोगों की बारी, हम लोगों ने केक खिलाया, गिफ्ट दिया, फोटो वोटो खिंचवाई और हम लोग थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि हमें लेट हो रहा था और हम लोगों को जल्दी से निकलना था वहाँ से वहाँ तक, मतलब जहाँ भैया का घर है लखनऊ में वहाँ पहुँचने में अप्रॉक्स एक घंटे लगते और आई थिंक इस टाइम मुझे लग रहा है 11 बज चुके थे और पहुँचते पहुँचते 12-1 बजा थे, इसलिए हमने ना बहुत जल्दी जल्दी करना था। ये देखिए नेहा और निखिल ने भी, और सबने केक भी खिला लिया और सब लोगों ने भी खिलाया। फिर देखिए अब यहाँ पे खाने की तैयारी होने लगी थी, मतलब खाना एक्चुअली सारा बन चुका था, पूड़िया बननी थी तो वो देखिए पूड़िया बन रही थी और खाना स्टार्ट हो चुका था क्योंकि सबको खा के निकलना था और क्योंकि मोस्टली लोग वर्किंग होते हैं तो फिर उन्हें खा पी के फिर सुबह निकलना भी होता है। तो ये बाहर लॉन में खाना पीना बन भी रहा था और वहीं पर लगा भी हुआ था खाना, तो सब लोग और जो लोग थे वो फटाफट से खाना खा रहे थे। और फ्रेंड्स इसी बीच में हम लोगों ने भी खाना खा लिया था क्योंकि आपको बताया कि हमें निकलना था। तो अच्छा अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।